तमीजी करती। शिकंजी बना रहा है। क्या? चल। तो भाई ये थोड़ा सा सो गया, हम अब उठ चुके हैं और अब हम खेल रहे हैं क्रिकेट, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट का टॉस बना हुआ है बढ़िया वाला। क्या लेके अब? उधर को मार दी, लेके आ भाई, खुद लेके आ भैया। बॉल भैया बॉल दे दो, वो भैया खुद ही मार रहा, खुद ही लेने जा रहा है। ऐसे होता है भाई यहाँ पे, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मजे ले रहा है। अभी तो हम फ्रेशन अप हो गए पूल वगैरह से ना निकल के, शावर वगैरह फ्रेशन अप हुए और शासन से कॉल आया कि यहाँ पर गिटार नाइट हो रही है कुछ, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आ जाइए। अब वही देखने जा रहे हैं क्या माज रहा है, कितनी तेज आवाज आ रही है। पुश को पुल करता है, पुल को पुश करता है, कोई नहीं होता फिर भी एसी चलता है। काम आ गया, निकलियो मार दे छलांग। गाइस डिनर बुफे हमारा रेडी है, हमने सारी चीज़ें ले ली हैं जितनी भी थी, फ्राइड राइस, पास्ता, मंचूरियन, चाउमिन, वेज, मिक्स वेज, दाल मखनी, नॉन वेज को छोड़ के सब कुछ ले लिया है। बंदे चार, खाली पांच, यही तो चल रहा है हमारा। ये क्या करती है? ये डाल के रखती है। गिरा गिरा गिरा। देखो गाइस चोरी। प्रैंक करने की कोशिश, कोशिश मतलब हड्डी को डराने की कोशिश। तो भाग गया पता नहीं क्या चाह रहा है। कमॉन ग्रैंडफादर, ब्रेकफास्ट को जाती, उसके बाद पूल को जाती, रात को तेरी आज इधर से बालकनी में कूद के उधर से खटखटा रहे थे हम। हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जिम कॉर्बेट। अभी टाइम हो रहा है 8:30 आई थिंक, 8:30 यू नो, और हम जल्दी उठ गए हैं सारे क्योंकि ब्रेकफास्ट बुफे लेना है। तो चलते हैं देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। सुमन, मौसम ठीक है, गर्मी नहीं है। बदतमीजी करती, मेरा ब्रेकफास्ट देख लो, गरम गरम बटर लगवाता वो इधर क्या, सब पराठा, एग, बनाना केक, पैनकेक। शिकंजी बना रहा है। नेवर फॉरगेट अवर बेस, नहीं वो मत डाल,
भाई सब सब सबका डन हो गया है, उधर भी डन हो गया है, ये बंदा लगा पड़ा है कभी कुछ। ये मेरा भाई कर रहा है, पैसे वसूल कर रहा है मेरा भाई पूरे, जो दिए भी नहीं है। खून लगा खून। गाइस ब्रेकफास्ट हो गया, अब हम थोड़ी सी वॉक कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे एक रिवर है, वो देख रहे सकते हैं। जाओ मरो मेरे को क्या। हाँ जी क्यों चाबी दो भाई। रिजॉर्ट तो ये ठीक ठाक है, लेकिन भाई यहाँ पे कुछ भी करने के लिए यहाँ पे पैसा चाहिए। अगर तुम्हें पूल खेलना है उसके बॉलर स्टिक लेने के लिए चार्जेस है, साइकिलिंग करनी है उसके चार्जेस है, गेट खोल के नदी में जाना है उसके चार्जेस है, हर चीज़ के चार्जेस है। बाकी जगह अच्छी है, देखो यहाँ से लेकर वहाँ तक सारा रूम्स है, और सारे रूम्स नीचे भी है क्या? हमारे उधर तो नहीं था ना नीचे रूम, हमारे उधर काफी बड़ा है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। ये देखो ये तो ये भाई रोड है ये तो। तो भाई तैयार व्यार हो गए हैं, 11:10 हो गए हैं, 11 बजे का हमारा चेकआउट था। उधर फोटोशूट चल रहा है, मैं तो एज यूजल सबसे पहले रेडी, सबसे पहले नहा धो के सबसे पहले तैयार हो जाता है। भाई चाय में ट्रिप पे घर वालों के साथ हुए, दोस्तों के साथ हुए। और अभी निकल रहे हैं नैनीताल के लिए। नैनीताल यहाँ से है 70-80 किलोमीटर आई गेस, और 3 घंटे का टाइम लगेगा हमें, तो निकलते हैं अभी, देखते हैं कितना टाइम लगता है। ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया है, तैयार ऑलमोस्ट हो गए हैं, और सामान वामान पैक कर रहे हैं और फिर निकलने की कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे रोड पे। गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल रिजॉर्ट होटल स्पा रिजॉर्ट जो भी है। मेरे को कहते हैं भाई इतना बड़ा बैग क्यों ले आया तू, इतना बड़ा बैग क्यों ले आया? और अब सारे बंदे परेशान हो रहे हैं, भाई मैं ये नहीं ला पाया, मैं ये नहीं ला पाया, मैं वो नहीं लाया। अपन तो सब कुछ लाया, जो भी सामान चाहिए था सब लाया। वी आर गेटिंग लेट गाइस, होटल वाला बंदा नहीं आ रहा। अरे इतने तू ले चल, 50 रुपये दे दूंगा। हायर कर लिया हमने आदि को, मजदूरी ये हमारा बंदा काम करने वाला बंदा है हमारे ग्रुप का कमलेश। तो गाइस निकल चुके हैं यहाँ से हम नैनीताल के लिए, 3 घंटे का रास्ता है, 3 घंटे बाद मिलते हैं, या फिर रास्ते में मिलते हैं, या फिर कुछ खा, अगर भूख लगेगी तो बीच में रुकेंगे, रुकते रुकाते चलेंगे। वैसे भी नैनीताल में भाई मैप तो लगा, वैसे भी नैनीताल में हमारा चेक इन है 2 बजे का, तो 2 बजे तक तो हम पहुंच जाएंगे आई गेस। 3 घंटे का है तो 2 बजे कैसे पहुंचोगे? 12 बजने वाले हैं क्या? ओह नो, तो फिर हम 4 बजे पहुंचेंगे, 1 घंटा एक्स्ट्रा पकड़ ले, बीच में कहीं रुक भी जाएंगे थोड़ा। नैनीताल होटल का वो क्या है नाम, क्या है? नैनीताल में आज तक कहीं गए नहीं हम, कहीं क्या नैनीताल गए नहीं हम, देखते हैं। नैनीताल में बर्फ पड़ती है भाई, ठंड नहीं पड़ेगी। ये जो होटल हमने किया है ना, इसके बाहर गूगल पे फोटो ले रही थी, बाहर पूरा बर्फ में था। सो पीसफुल, बहुत ज्यादा पीसफुल है। रूम में चेक इन हमारा हो चुका है, काफी अच्छा क्यूट सा होटल है, एमराल्ड नाम है इसका। रास्ते में पूछा एमराल्ड होटल का रास्ता किधर था, क्या क्यों एमराल्ड क्या, किसी को कुछ पता ही नहीं था। रूम हमारा इधर है, अब हमने अपना रूम शिफ्ट करा लिया एक बेटर रूम में, पहले हमारा रूम नीचे था, अब हमने ऊपर करा लिया। ओके दैट्स नाइस।
ईगा घूम रहा है। होटल में चेक इन वगैरह करने के बाद अब भूख लग रही है, तो हमने सोचा हमारा डिनर और ब्रेकफास्ट तो होटल में ही है, तो हमने सोचा कि लंच जो है हम बाहर कर ले मॉल रोड पे, तो मॉल रोड में घूमना फिरना भी हो जाएगा। तो अब निकल रहे हैं बाहर, मॉल रोड दिखाते हैं। फोटोशूट चालू हो गया है। गाइस नैनीताल के मॉल रोड का व्यू देख लो, बहुत शानदार मजे का हो रहा है, बिल्कुल फॉगी फॉगी सा। ऐसे ही यही रील देख कर आए थे और यही दिख गया हमें। अभी आपको बाहर से भी दिखाता हूँ गाड़ी की पार्किंग की, एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो पार्किंग में लगा के फिर घूमते हैं। नैनी लेक पर पापड़ का मजा लेते हुए, ले भाई पापड़ खा ले, मेरा पापड़ के पास है, मेरा पापड़ पापड़ के पास है। बहुत अच्छा हो रहा है यार, मजा आ रहा है।